हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, तो आज मैं चल रहा हूँ जमैथा गांव में, और जमैथा में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ से जमैथा हमारा 3 किलोमीटर के करीब है। तो जमैथा में जो मंदिर है वह अंग्रेज़ के ज़माने की मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए, यही रास्ता है। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 किलोमीटर दीवानी कचहरी रोड। तो यहाँ से आपको 3 किलोमीटर की दूरी पर जौनपुर सिटी मिल जाएगा, और जौनपुर सिटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपका जमैथा गांव है। तो जमैथा गांव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर खरबूजे की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो इस टाइम जब आप जमैथा गांव में आएंगे तो आपको यहां पर खरबूजे की मंडी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग चाहेंगे खरबूजे की मंडी देखने के लिए, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा खरबूजे का। तो आइए और चलते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज़ डेली नए नए और अच्छी जानकारी के साथ आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो हमारे इस ब्लॉग के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत ही कुछ खास होने वाला है। यह मंदिर जो है अंग्रेज़ के ज़माने की मंदिर है। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। यही वह तिराहा है जहाँ पर खरबूजे की मंडी सुबह के टाइम लगती है। तो मैं उसका अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, पहले मैं चलता हूँ आपको जमैथा का बहुत ही पुराना अंग्रेज़ के ज़माने की मंदिर को दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ कि वहाँ का एरिया कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं ऊँचाई पर चढ़ रहा हूँ। तो ऊँचाई पर इसलिए चढ़ रहा हूँ क्योंकि आगे एक ओवरब्रिज बना है, ओवरब्रिज नहीं एक पुल बना है, जो कि बहुत ही नया पुल है। अभी 1 साल हुआ है नया बनने को। तो यह बहुत ही दिनों से बन रहा था लेकिन बन नहीं पा रहा था कुछ कारणों से, लेकिन अब पुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो देखिए यहाँ का दृश्य कितना ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर आपको रोड बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा। तो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं अंग्रेज़ के ज़माने की पुरानी इस मंदिर पर। यह तपोभूमि परशुराम जी की है। तो आइए मैं यहाँ के बारे में आपको अच्छी जानकारी देता हूँ। तो अब मैं बताता हूं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो जौनपुर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे जमैथा गांव बसा हुआ है। तो यह गांव खरबूजे की खेती के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। यहां पर खरबूजे की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, लेकिन नदी के किनारे बनी इस मंदिर की वजह से इसका धार्मिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। कहा जाता है कि इस गांव में गोमती नदी के किनारे ही परशुराम के पिता यमदग्नि ऋषि यहीं पर तपस्या कर रहे थे। जैसा कि यहां पर देखिए लिखा है, महर्षि यमदग्नि मुनि की तपोस्थली, परम पूज्य बाबा परमहंस की तपोस्थली। और यहां पर वार्षिक मेला लगता है। देखिए इसमें लिखा गया है, बाबा का नहान, भैया दूज का मेला, और उसके बाद महाशिवरात्रि की, और उसके बाद पवित्र तीर्थस्थल। तो यहाँ पर भैया दूज के दिन बहुत ही विशाल मेला लगता है। तो देखिए यहाँ पर सुंदरीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। तो अब मैं इसकी कहानी को आगे बढ़ते हुए बताता हूँ आपको। तो कहा जाता है कि इस गांव में गोमती ये जो नदी है, इसी के किनारे ही परशुराम के पिता यमदग्नि ऋषि यहीं पर तपस्या कर रहे थे, इसी वजह से उनकी तपोभूमि माना जाता है। तो आइए मैं आपको पास से इसे गोमती नदी को दिखाता हूँ। तो यह गोमती नदी यहाँ से देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ पर मंदिर देखिए लिखा गया है, जय बाबा परमहंस। तो चलिए चलते हैं गोमती नदी और दिखाते हैं आपको पास से कि गोमती नदी कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है यहाँ से। तो यहाँ का नज़ारा देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही शांति और बहुत ही सुंदर प्लेस है यह। देखिए नदी कितनी साफ़ सुथरी है। यह नदी की सफाई अभी जल्द हुई है, इस वजह से यह नदी बहुत ही साफ़ सुथरी लग रही है। और यहाँ से देखिए आपका जौनपुर सिटी दिख रहा है, और इधर देखिए कुछ बच्चे नहा रहे हैं। यह शाम का टाइम है, तो शाम के समय यहाँ पर
नदी का पानी ठंडा ठंडा रहता। सो गाइज, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, जब आप आएंगे यहाँ पर ने तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस पूल के मैं बारे में आपको बता दूँ, जैसे जब पूल नहीं बना था ना तो यहाँ पर नाव चलते थे, तो नाव के सहारे सभी लोग का आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब जब पूल बन गया है तो इस पार से उस पर जाना बहुत ही आसान हो गया है। तो आइए अब चलते हैं मंदिर में। तो सो गाइज, इस गांव में जो ये गोमती नदी है, इसी किनारे परशुराम जी के पिता यमदग्नि ऋषि यहीं पर तपस्या कर रहे थे, इसी वजह से उन्हीं की तपोभूमि माना जाता है। अगर यमदग्नि ऋषि के बारे में बात की जाए तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों में से एक एक करके अपनी मां रेणुका का शरीर से उनके सिर को अलग करने का आदेश दिया था। तो उनके सभी पुत्रों में से एक उनके आज्ञाकारी पुत्र थे परशुराम। तो परशुराम ने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और अपनी माता रेणुका का सिर काट कर उनको मार डाला। फिर उसके बाद परशुराम से खुश होकर उनके पिता ने उन्हें वरदान देना चाहा। तो परशुराम ने अपने माता को फिर से जीवित करने का वरदान मांगा। फिर उसके बाद उनका वरदान पूरा हो गया और उनकी माँ फिर से पुनर्जीवित हो गई। फिर परशुराम ने वहाँ पर अखंड करवाया, तभी से माता रेणुका को अखंडा देवी कहा जाने लगा। तो यहाँ पर अखंडा देवी अर्थात अखंडी देवी का मंदिर भी कहा जाता है। तब से लेकर आज तक जमैथा गांव के इस अखंडा देवी माँ रेणुका की पूजा यहाँ पर हर वर्ष क्या हमेशा की जाती है। तो इस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए यहाँ पर भोलेनाथ जी का भी एक मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। आइए मैं आपको पास से शिवलिंग दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर शिवलिंग भी बना है और यहाँ पर आपको हनुमान जी का भी मंदिर मिलेगा, और जैसा कि मैं आपको भोलेनाथ जी का दिखा चुका हूँ, और शिव जैसा कि भोलेनाथ जी हैं, और माँ दुर्गा जी का भी मंदिर है। तो इसमें आइए देखते हैं और मैं आपको पास से दिखाता हूँ बजरंग बली जी का मंदिर। तो इसमें देखिए बजरंग बली जी का मंदिर है, और इतिहास में लिखा गया है कि इस मंदिर पर भगवान राम ने 2 बार अपने पांव रखे थे। अपने पांव यहां पर इसलिए रखे थे, पहली बार तो गुरु वशिष्ठ के साथ बचपन में एक राजा था जिसका नाम था कीर्तिवीर, तो वह यमदग्नि ऋषि जी के तप को बार बार भंग कर देता था, तो इस वजह से जब आए थे तो उस राजा को मार डाले थे। फिर उसके बाद दूसरी बार 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो पहले आए थे यहाँ पर यमदग्नि ऋषि जी से मिले थे, उसके बाद वनवास काटने गए थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे कैसे किया गया, सुंदरीकरण, जैसा कि यह मंदिर जो है 1904 में बनी थी, और यह जो स्थल है समाधि स्थल है बाबा परमहंस की जी। तो बाबा परमहंस 18वीं शताब्दी में यहीं पर रहकर तपस्या करते थे, फिर 1904 में अपने आप को खुद ही अग्नि में समाहित कर लिया, तो उसी वजह से यहाँ पर उनकी भी समाधि स्थल बन गई। और आइए आगे चलते हैं और दिखते हैं यहाँ पर किसकी समाधि स्थल है। तो यहाँ पर कई लोग की आपको समाधि स्थल देखने को मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पर देखिए पास में लिखा गया है जय बुढ़वा बाबा समाधि स्थल। तो ये बुढ़वा बाबा जी की समाधि स्थल है, तो इनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो आइए और बगल में चलते हैं, देखते हैं। तो इन्हीं समाधि के बगल में श्री मतवा माता जी का समाधि स्थल बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों की समाधि स्थल बनाई गई है, और इधर देखिए बाबा बालक दास जी की समाधि स्थल। तो यहाँ पर जो जो लोग आए थे, तपस्या किए थे, यहाँ पर रहते थे, उन लोगों की समाधि स्थल बना दी गई है। तो यही है यहाँ का मंदिर का इतिहास, और यहाँ देखिए गोमती नदी कितनी सुंदर लग रही है। तो जहाँ पर मंदिर के बगल में नदी रहती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज, यही सब है यहाँ पर, और आपको अगर हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज, यही सब है, और यहाँ पर देखिए सभी बोर्ड लगाए गए हैं, और इस बोर्ड पर लिखा गया है शॉर्ट में जो इसकी स्टोरी है, मंदिर कैसे बनी, क्या इसमें सब चीज़ें हैं। सो गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।